किसी पुष्पा साहब एक बात बताइए कि आप जो हैं, आप ही नहीं, आज देश के अधिकतर जो एनालिसिस करते हैं राजनीतिज्ञ लोग, वो बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो किस जनाधार पे बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं, वो बताएं जी। देखिए, सबसे बड़ा आधार तो वोट का ही होता है जी। तो वोट जो है, जब उनके पास बहुजन समाज का सबसे ज्यादा है जी, तो निश्चित रूप से उनको आगे होना चाहिए जी। लेकिन उन्होंने जो आपने देखा होगा सोशल इंजीनियरिंग की थी उत्तर प्रदेश में, उस समय उनके लिए मैं एक आपको इतिहास बता देता हूँ इसका, क्योंकि मैं काशीराम जी के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था। जब उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत कर रहे थे, उस समय से हम लोग जुड़े हुए थे उनके साथ में। तो वो कहते थे, इसको बहुजन समाज पार्टी उन्होंने नाम दिया, कि बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन का मतलब बहुमत की पार्टी, जिनके पास में बहुमत ज़्यादा होता है उसको बहुजन बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले लोग बोलते थे कि चमारों की पार्टी है, वो कहते थे बहुजनों की पार्टी है, और वो कहते थे कांग्रेस वाले कि चमारों की पार्टी है। और जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे महावीर प्रसाद जी, वो भी इसी कास्ट से थे जी। तो जब उन्होंने गोरखपुर से इलेक्शन लड़ा महावीर प्रसाद जी ने, और बहुजन समाज पार्टी के मुलई प्रसाद लड़े उनके खिलाफ जी। वो बहुत छोटे आदमी थे, गरीब आदमी थे जी। और महावीर प्रसाद बहुत बड़े आदमी थे, एक ही बिरादरी के थे दोनों। तो जब दोनों लड़े, तो महावीर प्रसाद की जो मिसेज ने बताया कि उन्होंने भी जो वोट था उनसे पूछा, वो हार गए। महावीर प्रसाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, वो हार गए। मुलई प्रसाद बहुजन समाज पार्टी के जीत गए वहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा अचंभा हुआ, उस पर रिसर्च हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने वोट कहाँ दिया, उनकी मिसेज से पूछा। कह रहे हमने अपनी पार्टी को वोट दिया। तो अगर तुम्हारी अपनी पार्टी कौन सी है, कि हमारी अपनी पार्टी कौन सी है जो तुम लोग बताया करते थे कि भाई बैठते तो हमारे कमरे में थे आप, हमारे चाय पीते थे जी। और हमारे जो हस्बैंड हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के जी। लेकिन वो थे तो चमार जी। और आप कहते थे चमारों की पार्टी, हाथी वाली पार्टी चमारों की पार्टी बन गई है जी। तो मैंने रोज सुनते सुनते मैंने सोचा कि हमारी पार्टी तो ये नहीं है जो मेरे हस्बैंड चलाते हैं, हमारी पार्टी तो वो है जो हाथी चलाता है। तो मैंने हाथ की जगह हाथी पे वोट लगा दिया। तो उन्होंने कहा भाई इसकी मिसेज ने ही वोट दे दिया, तो ये जो है ये हार गए। तब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो धोखा किया, ये बोलते थे बहुजन समाज पार्टी, हम बोलते थे चमारों की पार्टी, तो चमारों ने इसको स्वीकार कर लिया, तो बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी बन गई। तो इस वजह से जो उसको नुकसान हुआ, और वो चमारों की पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जो है सीटों के लिए जब गठबंधन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें दो ही सीटें दोगे, उनको दो सीटें दी जा रही है गठबंधन में जी। तो आज उनको लाले पड़ रहे हैं जीतने के उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका कारण यही है कि जो उन्होंने जैसा जो बीज बोया था ना जी, उसका उनको फल जो उधर मिल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया है जी। और बहुजन समाज की आज दो पार्टियां हैं, एक अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, और दूसरी जो है बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी है। और दोनों को, दोनों ही बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुजन समाज की दोनों पार्टियां हैं जी। और दोनों को आपने देखा होगा 1993 में काशीराम जी ने भी इकट्ठा किया था जी। तो उन्होंने ये नारा लगाया था उस समय, पूरे पत्रकारों में मतलब छाया हुआ था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये जो आज फिर माहौल जो बन रहा है, उसी तरह का माहौल बन रहा है जी। और उसी माहौल की वजह से ये सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि सवर्ण जो मायावती से हट जाए, क्योंकि उन्होंने जो सर्वजन समाज की जो बात कर रही है ना, और 10% उनको आरक्षण देने की बात कर रही है, तो उनके सामने चैलेंज खड़ा किया है कि आप इसको सपोर्ट करेंगी पार्लियामेंट में, कि इसका विरोध करेंगी, और जब आपकी सरकार आगे आने वाले समय में आएगी जी, तो आप किस तरह से ये समस्या को टैकल करेंगी। तो इसलिए मतलब जो लग रहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी को भी समझ में आ गया कि ये प्रधानमंत्री बनने वाली है।